नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं, ऐसे में जो आप रील्स क्रिएट करते हैं, आपको जो वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसका नाम जो है सीक्वेंस है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक्चुअली इंस्टाग्राम रील सीक्वेंस फीचर क्या है, कैसे इसको यूज करें, कैसे हम इसको जो अपनी रील्स पे अप्लाई करके व्यूज इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी जब ये फीचर रिसेंटली लॉन्च हुआ था, बट अभी जो यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये एक्चुअली बात कर रील्स सीक्वेंस फीचर क्या है एंड ये रील्स रिमिक्स से कैसे डिफरेंट है। अब रील्स सीक्वेंस फीचर जो यहाँ पे आप उसको नाम से पता चल रहा है कि रील्स को सीक्वेंस में ऐड करना, और रिमिक्स फीचर की बता दूं, रिमिक्स में क्या होता है, जैसे आप कोई भी रिमिक्स है जो पब्लिकली इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है पब्लिक अकाउंट की, अगर आप चाहते हो उसको जो अपने अकाउंट पे अपलोड करना लेकिन नीचे वॉटरमार्क है कि वो उस अकाउंट की है, तो उसको एक तरीके से रीयूज ऑफ रील्स या फिर रीयूज ऑफ कंटेंट, उसको जो है रिमिक्स बोलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। वेयरएज अगर मैं बात करता हूं इंस्टाग्राम सीक्वेंस की, जो रील्स में अप्लाई करते हैं, सीक्वेंस एक तरीके से ऐसे काम करता है जैसे वो रील्स चलेगी पहले जो एडमिन की है, ऑथर की है, फिर उसके बाद जो है लास्ट में आप अपनी रील्स को ऐड कर सकते हो। तो एक तरीके से सीक्वेंस में ऐड कर पाएंगे सीक्वेंशियल में। एक्चुअली बात करता हूं कैसे आपको जो है एक रील्स को सीक्वेंस में ऐड करना है, रील्स के ऊपर जो है सीक्वेंस क्रिएट करना है। तो मैं आ चुका हूं इंस्टाग्राम पे, अगर आप इस अकाउंट को फॉलो करना चाहते हो मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। अभी एक्चुअली मैं यहां पे जाता हूं पब्लिक पे एंड इसमें जो यहां पे बहुत सारी रील्स के लिए अवेलेबल है। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा आप पे सीक्वेंस का रिमिक्स के जस्ट साइड में। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको जो है इस तरीके से पेज लोड हो जाएगा। अब ये आप नीचे देखेंगे तो ऑलरेडी हमारी रील्स जो है लोड हो चुकी है। अब यहां पे क्रिएट कर देता हूं जो भी आपको इफेक्ट लगाना है, तो भाई ऐसे ही नॉर्मल से एक रील्स क्रिएट कर देता हूं, दैट इज इट। अब यहां पे आप इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, फिल्टर, जो भी आपको करना है, टेक्स्ट लिखना है, वो सब आप कर देना। तो यहां पे मैं एकदम रॉ रख रहा हूं वीडियो को एंड उसके बाद जो है नीचे आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारी रील्स बन चुकी है। अब इफेक्ट ऐड करना चाहते हो ट्रांजिशन जो है उसको आप ऐड कर सकते हो एंड आप देख पा रहे होंगे ये पहले उस रील्स चल रही है जो पब्लिक रील्स है, फिर उसके बाद मेरी ये वीडियो आ रही है, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस रील्स। तो यहां से एक तरीके से आप कह सकते हो जो पहले रील्स चले किसी और की फिर आपकी, तो इस तरीके से आप जो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर जो है सीक्वेंस फीचर को यूज कर सकते हो। बहुत काम का फीचर है, इससे आपके व्यूज इंक्रीज होंगे। तो आप लोग बताना कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में। इतना था वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऐसी वीडियोस आप सब ला देता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।